हे गाइस, वेलकम टू चैनल। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, जस्ट अभी उठा हूँ और अभी बज रहे हैं 8:30। तो बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है गाइस, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो गाइस ये देख लो, वीडियो में आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। तो गाइस एक बार पहले मुँह धोते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। Many minutes later. Hey guys, तो आ चुका हूँ मुँह धोकर और मैंने कपड़े भी पहन लिए हैं। और गाइस मैं आपको घर का सीन क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि घर पे जो है मम्मी पापा भैया सभी सो रखे हैं, और अगर मैं आपकी कैमरा के अंदर जाऊँगा ना तो घर पे सब अंधेरा दिखने वाला है और कुछ भी नहीं। और गाइस मैंने जो फूलों के पत्तों के जो मैंने शॉट लिए थे, आप लोगों को कैसे लगे मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे और थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगा जिम, क्योंकि अभी तो नहीं जा सकता क्योंकि बारिश हो रही है। तो थोड़ी देर बाद जाएंगे, तो थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं। हे गाइस, तो अभी फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ पापा जी का, क्योंकि मैं जिम जाने वाला हूँ। और मैं चल के जाने वाला था लेकिन पापा जी ने बोला बारिश गिर रही है और बारिश में अगर भीग जाएगा तो सर्दी लग जाएगी, तो इसलिए मैं ही चला छोड़ देता हूँ तुझे। तो पापा जी का वेट कर रहे हैं फिलहाल, तो आ रहे हैं पापा जी। तो पापा जी जो आ रहे हैं, तो गाइस मम्मी ने बोला बारिश से बचने के लिए अपने सिर पर पॉलीथीन डालने के लिए। तो गाइस ये रहा हमारा मंदिर। तो गाइस ये रहा हमारा जिम, तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। और ऊपर आना पड़ता है सीढ़ियाँ। तो गाइस अंदर चलते हैं। Many minutes later. Hey guys, तो अभी जिम करके आ चुका हूँ बाहर। और गाइज ये जो बारिश है वो रुक चुकी है। तो गाइज अभी फिलहाल चलते हैं घर, तो मैं आपको सीधा घर पे मिलता हूँ। तो गाइज पहले सीरियस से उतरते हैं। हे गाइज, तो आज का जो वेदर है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, क्योंकि कुछ दिनों से हमारे यहाँ पर बारिश हो रही थी, आज भी हुई है। तो इसलिए जो वेदर है बिल्कुल ठंडा ठंडा हो चुका है और पसीना भी नहीं आ रहा है। पसीना तो आ रहा है क्योंकि मैं जिम करके आया हूँ अभी, तो थोड़ी बहुत आ रही है। तो अभी घर पे चलते हैं और वहाँ पर दिखाता हूँ आपका सीन। तो गाइस मैंने सोचा अभी कि रोड का भी थोड़ा बहुत टाइमलेस वीडियो लेते हैं, तो टाइमलेस वीडियो आप इन्जॉय कीजिए।
तो गाइस फाइनली मैं अपने गली पहुंच चुका हूं और आई होप आप लोगों ने टाइमलेस वीडियो जो है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अभी फिलहाल चलते हैं घर। हे गाइस, तो नहा धो के हो चुका हूं रेडी। और गाइस आज है हमारे घर पर पूजा, हमारे घर पर नहीं सभी के घर पे है जो भी ये पूजा मानते हैं। तो गाइस आज है मनसा देवी की पूजा, मनसा माता की पूजा। जो मनसा माता है वो है नागलोक की रानी। तो गाइस मनसा माता जो है वो है भगवान शिव की पुत्री यानी कि बेटी, और वासुकी की जो भगवान शिव के गले पे जो सांप है उनका नाम वासुकी है और उनकी छोटी बहन। तो हाँ गाइस आज उनकी पूजा है और मम्मी जी ने जो है सारी सामग्री रखवा दी है। तो मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। और गाइस ये रही सारी सामग्री, और भी आ रही हैं तो देख लो। और गाइस यहाँ पर बैठेगा उनकी मूर्ति और यहाँ पर धोती लगा दी है क्योंकि गाइस जो हमारा ये रूम है वो अभी तक कलर नहीं हुआ है तो इसलिए धोती लगा दी। तो गाइस यहाँ पर पूजा के लिए हो रहा है सब कुछ रेडी। और ये है मेरी बहन स्नेहा जो कि मुझे सारा दिन तंग करती रहती है। ज़रा अपना थोपड़ा दिखा दे, दिखा दे। तो गाइस अभी सभी जो है काम कर रहे हैं और ये मेरी बहन चारा दिखा तो दिया, अब क्या हुआ। तो गाइस अभी सभी जो है काम कर रहे हैं। तो गाइस आप लोग मुझसे मत कहना कि मैं क्यों नहीं काम कर रहा, मैं तो काम कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने का। तो गाइस अभी जो मूर्ति है वो स्थापित की जाएगी। तो गाइस अभी आप सोच रहे होंगे कि ये पूजा हमारे घर में क्यों हो रही, मंदिर में क्यों नहीं हो रही, क्योंकि गाइस जो हमारा घर का मंदिर है वो थोड़ा सा छोटा है और हमारे जो पंडित जी हैं वो थोड़े मेरे साइज़ के हैं, तो इसीलिए उनको अगर पूजा में कोई भी तकलीफ ना हो इसलिए ये पूजा हमारे घर में की जा रही है। और गाइस मैं आपको हमारा घर का मंदिर भी दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा घर का मंदिर जो कुछ इस तरह का है और बहुत ही छोटा है, तो पंडित जी को दिक्कत ना हो इसलिए हमने पूजा जो है हमने घर पर रखा ही है। तो देख लीजिए। देरी से बाजूगर कर लिया मेरो, एक तो सुबह ही कर तो गाइस पंडित जी आने में और भी देरी है, देखते हैं। Many minutes later. तो गाइस मैं तो बस अभी ऐसे कोने में बैठा हूँ और इनके काम देख रहा हूँ और अभी पंडित जी आएंगे उसके बाद होगी पूजा स्टार्ट, दिखाते हैं। तो गाइस अभी मैं जरा फिलहाल मंदिर बेलपत्र लाने के लिए, भगवान शिव का फेवरेट बेलपत्र, उनके बिना जो भगवान शिव की पूजा नहीं हो सकती लोग कहते हैं तो लेके आते हैं। तो गाइस अपना पोपट करवा के आ चुका हूँ घर, जा रहा हूँ घर क्योंकि मैं गया मंदिर, तो मंदिर में बेलपत्र जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो आज पूजा है ना तो सभी लोग अपने बेलपत्र घर पे ले जा रहे हैं, कोई मंदिर में पूजा कर रहा है तो इसलिए सारे बेलपत्र जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। तो पोपट करवा के आ चुका हूँ तो अभी चल रहा हूँ घर। तो गाइस पंडित जी जो है उनकी अदला बदली हो चुकी है तो उनके जगह उनके बेटे आए हैं। तो गाइस ये है पंडित जी के बड़े बेटे, मेरे भरे भैया, भैया करके बुलाता हूँ उन्हें।
हे गाइस, तो पूजा हो चुकी है फिलहाल ख़त्म। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि पूजा होने से पहले कैसा लग रहा था, अब पूजा होने के बाद कैसा लग रहा है, तो दिखाता हूँ। और गाइस, पूजा ख़त्म होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, तो देख लो। और गाइस, वो रही माता की मूर्ति। तो गाइस, पहले कैसा था और अब कैसा है। हे गाइस, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे लग रहा है मुझे इस वीडियो में थोड़ी बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं।